दोस्तों, आप एक बार सोच के देखो कि हजारों सालों पहले के पौधे अगर जीवित हो जाएं, तो आज की हमारी कहानी इसी पर निर्भर है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो अंधेरे में बैठी डर रही होती है, और तो और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। फिर तभी हम ये देख पाते हैं कि इसको बहुत तेजी से कोई खींच के ले जाता है। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि दो कपल जो वेकेशन के लिए मेक्सिको आए होते हैं, इनके नाम जेफ, एमी, एरिक और जैसी है। वहाँ पर वो मैथियास नाम के आदमी जो एक जर्मन टूरिस्ट है और वो अपने भाई हेनरिच को ढूंढ रहा होता है। वो बताता है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ पर आया था और उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट लड़की के साथ एक मान्य सभ्यता के मंदिर की खोज में है, और तो और इनको पता चलता है कि ये मंदिर किसी भी मैप में मौजूद नहीं है। अब अगली सुबह वो मंदिर की खोज में निकल जाते हैं और वहाँ का ड्राइवर उन लोगों को कहता है कि ये जगह बहुत मनहूस है और मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। फिर दोस्तों, वो लोग उस ड्राइवर को और भी ज़्यादा पैसे देकर मना ही लेते हैं। अब वो ड्राइवर उन सब को उनकी लोकेशन तक छोड़ देता है और वहाँ पर उनको हेनरिच की गाड़ी भी मिलती है। फिर ये सब एक खुफिया रास्ते से मायन सभ्यता मंदिर तक पहुँच जाते हैं। तभी मायन गांव के लोग अपने हथियारों के साथ बाहर आते हैं और अपनी भाषा में उनको यहाँ से जाने को कहते हैं, पर ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। फिर वो मायन गांव के लोगों को यहाँ आने की वजह बताते हैं, पर दोस्तों उनको ना ही स्पेनिश आती है और ना ही इंग्लिश, इसलिए वो कुछ भी नहीं समझ पाते। इसी बीच एमी बातों बातों में उस पौधे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो गांव वाले लोग बहुत गुस्सा करते हैं। दिमित्री भी एनी के पास जाता है, जिससे वो गांव वाले गलत समझते हैं और वो लोग दिमित्री पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो सब लोग दिमित्री की मौत के बाद बहुत डर जाते हैं और वो गांव वाले उन सब को मंदिर के ऊपर जाने को फोर्स करते हैं और वो भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं। इसी बीच मैथियास ये देखता है कि एक जगह पर हेनरिच का टेंट हाउस होता है और उसमें हेनरिच के कुछ सामान होते हैं। अब दोस्तों, ये सब के सब मंदिर में फंस चुके होते हैं, और तो और गांव वालों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। अब ये लोग देखते हैं कि मंदिर के अंदर जाने का रास्ता तो होता है, पर वो बहुत गहरा होता है। फिर जेफ कहता है कि अब तो दिमित्री के दोस्त ही इनको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दिमित्री ने इनके लिए नक्शे की कॉपी छोड़ दी थी। अब तभी इनको मंदिर के अंदर से किसी फोन बजने की आवाज़ आती है, तो मैथियास कहता है कि ये तो हेनरिच के फोन की आवाज़ है। तो यहाँ पर मैथियास उसके अंदर जाता है, तो तभी दोस्तों उसका हाथ रस्सी से फिसल जाता है और वो सीधा जाकर गिरता है मंदिर के अंदर। इसके बाद जैसी मैथियास की हेल्प करने के लिए मंदिर के अंदर जाने को कहती है। फिर तभी जब वो मंदिर के अंदर जाती है, तो वो भी आधे रास्ते से गिर जाती है, जिससे उसके घुटने पर बहुत गहरी चोट आती है। इसी बीच जैसी ये देखती है कि मैथियास के कमर की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, जिस वजह से वो पैरालाइज हो चुका है। फिर एमी और जेफ गाँव वालों से मदद मांगने जाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच एमी भी गुस्से में आकर उस मंदिर का एक पौधा वहां खड़े एक बच्चे को फेंक कर मारती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग उस बच्चे से डरने लगते हैं और उसको शापित बोलकर वहां के लोग उस बच्चे को भी मार देते हैं। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर एमी और जेफ को भी ये पता चल जाता है कि इस गांव के लोग मंदिर के पौधों से डरते हैं, क्योंकि वो शापित हैं, जो भी उनको छुएगा वो उनको मार देंगे। अब दूसरी तरफ जेफ मैथियास के लिए एक बैट टाइप का कुछ बनाकर उसमें एमी को बैठाकर नीचे भेजता है, और फिर नीचे एमी और जेफी उसको जैसे तैसे करके उस पर बैठा करके ऊपर भिजवा देते हैं। अब अगली सुबह जब जैसी उठती है, तो वो देखती है कि उसके घुटनों में से उन पौधों की जड़ें निकल रही होती हैं, और तो और उन पौधों ने मैथियास के पैरों को भी आधा खा लिया होता है। वो लोग जैसी के पैर से जड़ों को तो निकाल लेते हैं, पर वो मैथियास के पैरों से नहीं निकाल पाते। तभी मंदिर से उनको एक बार फिर से फोन रिंग होने की आवाज़ आती है। उसी आवाज़ का पीछा करते करते वो मंदिर के नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक लाश को देखते हैं दोस्तों, जिसको हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, और उसका फ़ोन उसके हाथ में होता है। फिर वो उसका फ़ोन उससे ले लेते हैं, पर दोस्तों एक बार फिर से फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आने लगती है। पर तभी जब वो ध्यान से देखते हैं,
तो उस फोन रिंग की आवाज उस पौधों में लगे फूल से आ रही होती है। और फिर जैसे ही एमी उस फूल को हाथ लगाती है तो वो पौधे उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो जैसे तैसे बचकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद वो जेफ और एरिक को बताते हैं कि नीचे हमारे साथ ये कुछ हुआ। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि मैथियास की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है। फिर जेफ बाकी लोगों को मैथियास का पैर काटने को कहता है पर वो सब मना कर देते हैं। फिर जब मैथियास खुद उनको अपना पैर काटने को कहता है तो वो मान जाते हैं। अब जेफ पहले तो उसके पैरों की हड्डियां तोड़ता है और बाद में वो पैर को काट देता है। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं मरता क्योंकि वो एक सर्वाइवर है। अब रात को जैसी एरिक से लड़ रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि एरिक और एमी उसको धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि मैथियास के मुंह में कुछ पौधे आकर घुस जाते हैं जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जैसी अपने अंदर उन पौधों को महसूस कर पाती है और वो चाकू उठाकर अपने पेट को काटकर उन पौधों को बाहर निकालना चाहती है। पर तभी उन्हें उन पौधों में से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे वो चिल्ला रहे हों। इसके बाद जेफ ये देखता है कि जैसे जैसी की बॉडी में कई सांप घूम रहे हों। फिर जेफ जैसी के उन अंगों को काटता है जहाँ उसे वो पौधे नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह से वो पौधों को निकाल लेता है पर फिर भी दोस्तों जैसी ऐसे महसूस करती है जैसे अभी भी उसके अंदर पौधे घूम रहे हों। जेफ तो ये भी देखता है कि वो जड़े जैसी के सर पर चल रहे हैं पर वो इस बारे में उसको कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि जैसी टेंट से बाहर आकर अपने आप को काटने लगती है पर जब जेफ उसको बचाता है तो जैसी उस पर भी हमला कर देती है। और जब एरिक उसको रोकता है तो वो एरिक के सीने में चक्कू को घुसा देती है जिससे एरिक की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और फिर वो सबको कहती है कि मुझे मार दो जिससे जेफ ना चाहते हुए भी मार देता है और एमी के बॉडी पर खून लगाकर उसको गांव के सामने ले जाता है और उसको उनके सामने मरा हुआ साबित कराता है जिससे वो सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। पर तभी दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि एमी उठकर भाग जाती है और वो लोग जेफ को भी मार डालते हैं और एमी जो भाग रही होती है उसके पीछे सभी गांव वाले लग जाते हैं और वो भी कार तक पहुंच जाती है। फिर कार स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंच जाते हैं और इसी तरह से ये कहानी ही खत्म हो जाती है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस कहानी का अंत अच्छे से होना था। वैसे इसकी एक अल्टरनेट एंडिंग थ्योरी भी है जिसमें एमी कार में जंगल से भाग रही होती है और उसके चेहरे पर हमें पौधों की जड़ें दिख रही होती हैं जिसे वो इग्नोर कर रही थी और अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी है और वो इस जंगल से बाहर जाकर दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड करेगी। इसी बीच हम एमी के ग्रे को भी देखते हैं जिसमें वही जड़ें उग रही होती हैं और जब वहाँ का केयर टेकर उस ग्रे को नज़दीक से देखता है तो उसे वहाँ पर वही फूल नजर आते हैं जिसमें से फोन रिंग की आवाज आ रही थी। अब दोस्तों जो पौधे जंगल तक सीमित थे वो अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। अब रही बात इस मंदिर की तो दोस्तों ये एक शापित मंदिर है और जो भी इसके संपर्क में आता है वो शापित हो जाता है क्योंकि जो पौधे इस मंदिर के आगे पीछे उग रहे हैं वो इंसानों को मार देते हैं और उसी के अंदर उग जाते हैं। दोस्तों ये कहानी अभी आधी अधूरी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।